आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच लगातार जनता के बीच समर्थन जुटाने की कवायद जारी है। अलग अलग माध्यमों से राजनीतिक दल जनता से संवाद स्थापित करने में लगे हैं। कहीं यात्राएं हो रही हैं तो कहीं रैली, कहीं सम्मेलन है तो कहीं जनसभा। हर राजनीतिक पार्टी अपनी अलग अलग योजना बनाकर काम करने में लगी हुई है। भाजपा द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये जो जनसंवाद कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया मऊ के मधुबन में। मधुबन के दोहरी घाट पर इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उत्पल राय द्वारा आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य और पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा रहे। क्योंकि मधुबन में एके शर्मा का ननिहाल भी है और ससुराल भी, तो ये कार्यक्रम काफी खास रहा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए माननीय एके शर्मा जी का मंच पे। जोरदार भारत माता की जय। पूरा हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर गगनभेदी नारा लगाइए। आप लोग मैं जान रहा हूं 10 दिन से आप लोग बैठे हैं, बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आई आज सुमंगल बेला किरणों का उपहार लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उत्तर राज्य द्वारा गदा भेंट करके मुख्य अतिथि जी का स्वागत हो रहा है। अब से हमारे मुख्य अतिथि भारत वर्ष के वरिष्ठ कनिष्ठ नेताओं का भी स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे समाज जनता जनार्दन का भी स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी से आपकी वार्ता होगी, संतुष्ट होंगे तो निश्चित ही आपका कार्य पूरा होगा। फिर आएंगे, बहुत 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 धन्यवाद। क्या बात है, हमारे बीच में मनीष मिश्रा जी ब्लॉक प्रमुख का आपका हार्दिक स्वागत। भाजपा के इस जनसंवाद कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम में अनुमान से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मऊ जनपद के अलावा अन्य जिलों से भी लोग शामिल होने आए। ये आयोजक उत्पल राय की मेहनत और एके शर्मा के महान व्यक्तित्व की देन थी कि कभी ना भरने वाला विक्ट्री कॉलेज का मैदान भी पूरी तरह से भर गया था और लोग दूर दूर तक खड़े होकर कार्यक्रम को सुनते रहे। इस मौके पर पूर्वांचल के कई जिलों के विधायक के साथ साथ ब्लॉक एवं ग्राम प्रतिनिधि भी शामिल हुए। लोगों के हुजूम का आलम ये था कि कार्यक्रम स्थल से कई किलोमीटर दूर तक एक अलग ही जनसभा को आयोजित कर इस कार्यक्रम को लोग सुनते नजर आए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए एमएलसी एके शर्मा ने कहा कि यहाँ मेरा ननिहाल है, मेरा यहाँ बचपन बीता है, इसलिए मैं यहाँ लगातार काम कर रहा हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं जो भी कहूंगा उसको पूरा करूंगा। भाइयों बहनों, आज माननीय कल्पनाथ राय जी की जयंती है। आप जानते हैं कि इस जिले में विकास की अगर शुरुआत किसी ने की थी तो माननीय कल्पनाथ राय जी थी। और आज भी मैं एक राजनेता होने के बावजूद इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारे माननीय राय साहब इस जिले के लिए प्राण वायु थे। जैसे प्राण वायु होती है जिसके बिना सांस नहीं चलती है, जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता। एक जमाना था कि जब उनका उनका रात दिन सोते जागते यहाँ के लोगों का
यहाँ के लोगों के विकास का कि वो चिंता किया करते थे। आज उनकी जयंती है, मैं आज आप सबकी तरफ से आप सबकी भावनाओं का को उनके प्रति समर्पित करते हुए उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं 14 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, 5 फरवरी को मैं MLC बना और उसके एक महीने बाद हम लोगों को बताया गया कि MLC का जो विधायक निधि होती है, विधायकों की जो निधि होती है वो जारी की जाएगी, जारी कर दी गई। तो कुल मिलाकर के 8-9 महीने का काम करने का समय मिला हमको। उस समय के दरमियान लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाएं हमने अपने विधायक निधि, तो 3 करोड़ की होती है, लेकिन 500 करोड़ रुपए का, चाहे रास्ते का काम हो, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे बिंद टोलिया में बाढ़ रोकने के की दीवार का काम हो। एक बार हम बिंद टोलिया गए, वहां बड़ी बाढ़ आई थी, लोगों ने कहा कि भाई साहब तो 25-30 घर गिर गए। मैं गया तो मैंने कहा कि भाई यहाँ बनवाया जाएगा और बनना अब उसका प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तो ऐसे तमाम काम थे, चाहे रोड का हो, चाहे रास्ता का हो, पुल का हो, चाहे पुलिया का हो, चाहे दवाखाने का हो, ऐसे सारे काम हाथ पर लिए गए हैं। उनमें से कुछ कामों का आज या तो लोकार्पण किया गया है। मुझे बहुत खुशी है, यही पकड़ी गांव में उसी 8 महीने में एक काम तो पूरा भी हो गया, आज उसका लोकार्पण हुआ है, आज उसका उद्घाटन भी हो गया। ऐसे काम पूरे भी होते जा रहे हैं, बहुत सारे कामों की शुरुआत का शिलान्यास भी आज हुआ है। तो ये सारे के सारे काम आपके चरणों में समर्पित है, वो किया जाएगा। ऐसा समाजवाद कि आप चाहे आपका अंक कितना भी हो, आपने कॉपी कितनी भी खराब लिखी हो, लेकिन अगर आप उनके कुनबे से हैं तो आपको भर्ती हो जाएगी। आपके ऐसा समाजवाद कहीं आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, ताली बजाइए नहीं पढ़ा है तो। ऐसा समाजवाद कि आपके अंदर स्कूल चलाने की क्षमता हो या न हो, बिल्डिंग हो या न हो, आपके अंदर एक, मैं परसों एक स्कूल में गया था तो वहां मैंने ये बात कही थी, लेकिन फिर दोहराने जैसी बात है, ये भी स्कूल है इसलिए मैं फिर, यहाँ विद्या मंदिर है इसलिए बात कर रहा हूँ। पढ़ाई के स्टैंडर्ड को इतना गिरा दिया गया उस सरकार में कि आज हमारी औनति का, आज हमारी दुर्दशा का, अगर रोड रास्ता तो बना ले जाए, रोड रास्ता में कोई दिक्कत ना हो तो 6 महीना में हम बनवा देंगे, लेकिन जो हमारे मानसिक स्तर का अवमूल्यन किया गया है, नकल की छूट दे करके एक एक कुनबे के लोगों को, एक वर्ग विशेष के लोगों को भर्ती कराने के लिए कहा जाता था कि अच्छा ठीक है फलाने हमारे परिवार का हुआ ना, ठीक है कल आ जाइया भर्ती, 10 पास के लिए हुआ ना के लिए, अच्छा ठीक है ये स्कूल में चल जाइया तो खाली नाम लिखवा दिया तो सर्टिफिकेट 10 का मिल जाएगी, आके भर्ती हो जाए, खड़ा हो जाए खाली भर्ती हो जाए, PCS का परीक्षा खाली कापी जमा कर दिया तो भर्ती हो जाए। ऐसा समाजवाद कहीं नहीं मिलेगा और ऐसा समाजवाद हमें चाहिए भी नहीं कि हम जहां थे 75 साल में वहीं पे हमारी जो 70 साल की जो शासन व्यवस्था रही है उसकी बात मैं थोड़ी बहुत करूंगा। सबने अपने अपने स्वार्थ में, किसी ने अपने पार्टी के हित के लिए, किसी ने अपने पार्टी को कहा कि ये पार्टी ही भारत है, हमारा नेता ही भारत है और कुछ भारत में है ही नहीं है, तो उनका कल्याण होगा तो भारत का कल्याण हो जाए, ऐसी मान्यता वाली पार्टी एक थी जिसने हमारे ऊपर 50-60 साल तक शासन किया। उसके बाद पूरा 2.5 दशक 25-30 साल हमारे ऊपर जो शासन हुआ है, जिन पार्टियों ने, दो पार्टियों ने, स्थानीय पार्टियों ने जो शासन किया, उन्होंने तो उनसे भी बड़े मियाँ, तो छोटे मियाँ थे तो ये लोग बड़े मियाँ निकले, इन्होंने और भी अपनी जेब गर्म करने के अलावा, अपने कुनबे का कल्याण करने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ ये बता रही थी कि उनके बेटे यानी AK शर्मा की सियासी पहचान उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जो मऊ जनपद में विकास कार्य नहीं हुए थे वो उनके MLC बनते ही तेजी से शुरू हो गए और जनता में एक अलग तरह का संतोष भी देखने को मिला। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने AK शर्मा से खास बातचीत की, देखते हैं इस खास बातचीत के कुछ अंश।
उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आज हम मऊ की मधुबन विधानसभा सीट पे आए हुए थे और यहाँ पर नए वर्ष के अवसर पर जनता संवाद का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया गया है। अहम बात यह है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी एके शर्मा खुद मौजूद थे और इस वक्त वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आज यहाँ पर जो हुजूम देखा गया कार्यकर्ताओं का, जनता का, उससे ये लग रहा है कि इस बार यहाँ पर कुछ पलटवार होने वाला है। यहाँ की जनता को मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। मेरा यह चिर परिचित स्थान है, बचपन से मैं अपने इस ननिहाल क्षेत्र में आता जाता रहा हूँ। ये जो हुजूम दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पहले की सरकारों में जो कुशासन था उसके विरुद्ध का ये हुजूम है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये हवा है, स्पष्ट दिख रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही अल्प नोटिस में, बहुत ही अल्प काल में, अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही अल्प समय में और इतनी विपरीत परिस्थितियों में, आप देख रहे हैं अभी से कोहरा होना शुरू हो गया है, लोगों के पास पहुंचना भी मुश्किल होता था, कहने के लिए पहुंचना भी मुश्किल होता था, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हुई। सुबह लगभग 10 बजे तक तो कोहरा था, आपने देखा ही होगा, तो मात्र 2 घंटे में लोग, इतने लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर समय सामान्य होता तो शायद इसकी 2 गुना भीड़ आपको देखने को मिलती और जितनी भीड़ आपने यहाँ देखी, जो हुजूम देखा, उससे कई गुना भीड़ इस कंपाउंड के बाहर थी। यहाँ से लेकर घोसी तक, घोसी ही नहीं बल्कि मऊ तक, मऊ ही नहीं बल्कि उसके आगे हमारे गांव काजा खुर्द तक लोगों की भीड़ थी। लाखों, कई लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे थे, सुनने के लिए आतुर थे। उन सब का प्रेम देख करके मैं आत्मविभोर हुआ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अपने हृदय की गहराइयों से मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे एमएलसी एके शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मधुबन की सीट है यहाँ पर आज जिस तरह से कार्यकर्ता, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर जुटी है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बदलाव होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन पांडे। बस इस कार्यक्रम के समापन पर हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कार्यक्रम के आयोजक और पूर्व मंत्री उत्पल राय ने कहा कि ये एमएलसी एके शर्मा के आकर्षण और निस्वार्थ व्यक्तित्व का ही कमाल है। जो ये मैदान, तो क्या ये दोहरी घाट ही लोगों के लिए कम पड़ गया? शहीदों की धरती कही जाने वाले मधुबन के दोहरी घाट पर आज भारतीय जनता पार्टी का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एमएलसी एके शर्मा रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक उत्पल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते किस तरह कार्यक्रम रहा और क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से? ये नूतन वर्ष नई उमंग आपके संग जन संवाद के रूप में एक कार्यक्रम मनाया गया और जो आज के मुख्य अतिथि एके शर्मा जी थे, उनका भी जन्मभूमि भी ये है और लगभग वो 364 दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में टहलकर जनता के सुझाव को ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक दायित्व सौंपा है कुछ कमेटी बना के कि आप जनता को सुझाव लीजिए और उसको अपनी मैनिफेस्टो में जो अच्छे सुझाव उसको लागू करिए, तो वही सब लेकर वो आज इसका अंतिम दिन किए और जनता के सामने अपने कार्यों का उन्होंने उसके संबंध में जनसंवाद सम्मेलन किया गया था। मऊ जनपद परंपरागत अलग अलग पार्टियों का गढ़ रहा है, अगर हम बात करें यहाँ के जनसैलाब जो इस कार्यक्रम में रहा, जनसैलाब को देख के आपको क्या लगता है कि यहाँ बदलाव होने वाला है? नहीं भाऊ, आपको लग रहा है, आपने देखा होगा, आप सुबह 10 बजे से यहाँ काम कर रहे हैं, ये शहीदों की धरती है। यहाँ पे ब्रिटानी हुकूमत में एक बार मधुबन कांड हुआ था, अब इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो उसमें मधुबन कांड बड़ा प्रमुखता के साथ था। उसमें करीब करीब 21-22 लोगों ने सीने पे गोली खाई थी, भारत माता का झंडा नहीं गिरने दिया था, चाहे वो हनीफ दर्जी रहे हों, चाहे चौहान रहे हों, चाहे राम नक्षत्र पांडे रहे हों, तमाम अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम कोई मतलब नहीं, राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी है। चल रही हैं विकास यात्राएं, चल रही हैं सभाएं, चल रही हैं, कांग्रेस का अपना एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अखिलेश अपनी विजय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक 2022 के चुनाव में टक्कर दे पाए? देखिए, मैं बहुत अच्छी ढंग से जानता हूँ और मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ यूथ विंग में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, मुझसे बेहतर इन पार्टियों को नहीं जानेगा। पूरी परिवारवाद में बदली हुई पार्टी है ये, आप एक तरफ से उतार देख लीजिए तो लोहिया का समाजवाद, मेरे पिताजी ने, तब का समाजवाद दूसरा था, एक तरफ आदमी माननीय मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, एक तरफ मोहन सिंह होते थे, एक तरफ रेवती रमन सिंह होते थे,
एक तरफ साहित्यकार डॉक्टर राम कमल राय हुआ करते थे, मेरे पिताजी का नाम है ये, उन्होंने लोहिया की सप्त क्रांति लिखी, मुझे याद है नेताजी किसी मैदान में बैठते थे, नौजवान हुजूम उमड़ता था तो कहते थे अगर ये किताब नहीं पढ़े तो समझ लो तुमने समाजवाद को नहीं जाना। पिताजी किताब को रखवाते थे, शिविर चलती थी कभी देहरादून के ठंड में जो समाजवादी चिंता के चिंतन होता था, अब वो कहाँ रह गया, आप खुद देखिए उनके निकट इधर उधर। तो मैं इसको एक तरह से परिवारवाद मानता हूँ, पूर्णतः परिवारवाद पार्टी है ये, समाजवाद है ही नहीं इसमें है। और भारतीय जनता पार्टी में तो कब कहाँ से कौन आ जाए, जिसके अंदर प्रतिभा है कब उसका चयन हो जाए वो स्वयं वो व्यक्ति खुद नहीं जानता है। एक दिन डिप्टी सीएम केशव मौर्या जी से वार्ता हो रही थी, उन्होंने जो शब्दों में व्यक्त किया तो उससे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम करेगा चाहे वो जिस धर्म का हो जाति का हो, पार्टी जब काम करता है तो पार्टी एक दिन उसको उचित सम्मान निश्चित देती है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ही है। प्राइम टीवी के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता के बारे में बताया ही आपकी, यहाँ की जनता अभी माननीय मुख्य अतिथि ने अपील भी किया है कि ये 2022 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ना है, विकास अत्यंत महत्वपूर्ण। आज देखिए रोडों का जाल बिछा है, आप लखनऊ से आए होंगे, आपको क्या घंटा आने में लगा होगा? 3 घंटे लगा, इसी लखनऊ से आने में कम से कम 7-8-9 घंटे लग गया करते थे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की या मुख्यमंत्री योगी जी की ही देन है, नहीं तो हर व्यक्ति विकास के नाम पे इस समय चाह रहा। यही अपील भी किया मुख्य अतिथि जी ने कि विकास 2022 डबल इंजन सरकार फिर बनाना है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो, तो अगले 5 साल में यानी 2027 में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में, ये देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री उत्कल रायन का कहना है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा, एके शर्मा ने स्वयं यहाँ अपील की है कि जो आने वाला चुनाव होगा वो केवल विकास के ऊपर लड़ा जाएगा और विकास ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल होगा। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन होती है और कोई भी कार्यक्रम जनता की बात के बिना नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुई जनता से भी उनके मन की बात जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं जनता ने क्या कुछ कहा। अभी हम मधुबनी विधानसभा सीट में हैं, तो यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? यहाँ की समस्याएं मेन रोड से रोड वगैरह थी हमारे यहाँ जो कि अब अच्छी खासी हो गई है और कुछ बहुत समस्याएं तो इधर नहीं है। अच्छा, हमें ये बताएं जब से एके शर्मा वापस अपने गृह जनपद आए हैं तो क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, कुछ बदलाव के बारे में बताएं। यहाँ की रेल लाइनें सही हो गई, लिफ्ट का रोड आ गया और सब कामें दिखाई दे रहा है, सम्मान योजनाओं में सारे ग्रामीणों को पैसे मिल रहे हैं और ये सब प्रमुख बातें हुई यहाँ पे कि प्रधानमंत्री के तरफ से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसके तहत 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 3 किस्त दिए जा रहे हैं, तो इसमें क्या लोगों को यहाँ मिल रहा है? हम बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा, हमको खुद मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है, मिल रहा है। अच्छा, हमें ये बताएं कि उन पैसों से आप कृषि काम में कैसे काम कर रहे हैं? भाई कृषि काम में भी आता है, अपने भी कुछ काम में आता है, लोगों को कम से कम जो 2,000 मिल रहा है उससे काफी लोगों को राहत मिल जाती है। तो बहुत प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा मतलब प्रयास है, बहुत अच्छा काम है कि क्या यहाँ जो राशन वितरण हो रहा है वो आप लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, मिला राशन मिलेगा। अच्छा ये बताई कि क्या क्या मिला था? का मिला था कि रिफाइन मिला लाला, एगो चना मिला लाला, गेहूँ मिला लाला। प्रधानमंत्री आवास योजना की तो क्या यहाँ सही ढंग से उसका वितरण हो रहा है? सही संग सही सही ढंग से वितरित हो रहा है, जिसके आवास नहीं उसको आवास मिल जा रहा है और अन्य योजना चल रही वो भी सफल रही। आप अपने नाम बता दें। मेरा नाम रजत चौबे है। अच्छा रजत, हमें ये बताएं कि जब से एके शर्मा अपने गृह जनपद में वापस आए हैं तो क्या कुछ विकास कार्य हुआ है? बहुत ज्यादा, महीने में 2 बार राशन मिलता है और कोई भी गरीब हर महीने राशन लेने के लिए हर समय जाता है, महीने में 2 बार। यहाँ किसकी आगे है, कौन आगे है? कौन से भाजपा आगे है और कौन आगे है? भाजपा के अलावा कोई और तो नहीं? जो प्रधानमंत्री आवास है या आप कह ले किसान सम्मान निधि, तो क्या इसके लाभार्थी यहाँ लोगों को लाभ मिल रहा है? यस मिल रहा, और आदरणीय एके शर्मा जी ने जो जातिवाद से उठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके जो ये नया अक्स पैदा किए हैं,
मऊ की जनता इनको कल्पनाथ राय के रूप में देख रही है और ये जातिवाद से उठ करके माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने का कार्य कर रहे हैं। आज नया जो युवा है, आज हमारा नया युवा ये जातिवाद के चक्कर में जो संभ्रांत युवा है फट गया है। एक ही समय अपने संबोधन में कह रहे थे कि दोहरी घाट पे कहीं दीवार चलाई गई है जिससे बाढ़ ना आए, तो क्या उसका लाभ दिखा इस बार? जी अवश्य दिख रहा है, जो जलमग्न हो जा रहे थे उस पे पत्थर से उस पर वो किया गया है जिससे वो उसका कटाव न हो, कटाव रोकने के लिए बहुत सारा कार्य किया गया है। जी हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही तमाम कार्यक्रम देखने के लिए और तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।